Desi Tarka by Zahir. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकौड़े की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ के जी से ज़्यादा चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको पैन में डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे नमक और 1 टेबलस्पून सिरका। इसको हम 5 मिनट उबालने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जो हमारा स्टॉक है चिकन, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। चिकन की जो कोटिंग है उसके लिए ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने पूरी तरह कुक नहीं किया, क्योंकि जब पकौड़े फ्राई हो जाएंगे तब ये कुक हो जाएंगे फुल। जितनी देर चिकन ठंडा हो रहा है उतनी देर हम चिकन की कोटिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून बेसन। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब चिकन बॉईल किया था तब भी मैंने नमक डाला था। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जितना डाल सकते हैं डाल। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी करके चिकन स्टॉक डाल देंगे। ये देखिए जी, हमारा गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल तैयार हो गया है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि फिर जो हम चिकन कोट करेंगे इस पर वो लगेगा नहीं। और अब हम देखेंगे कि चिकन हमारा ठंडा हुआ है कि नहीं। ये देखिए जी, चिकन हमारा हो गया है ठंडा। अब हम इसको जो मटेरियल हमने बनाया था इसमें डाल देंगे और हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारा चिकन हो गया मैरिनेट। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए जी, 1/2 घंटे के बाद हमारे चिकन को आप देख सकते हैं कोटिंग ऊपर अच्छी तरह जम चुकी है। ये हमने थोड़े से सफ़ेद तिल लिए हैं, हम इस पर अच्छी तरह फैला देंगे और बाद में इसको हम फ्राई कर देंगे। ऑयल को हम कर देंगे गरम और हम एक एक करके चिकन को हम इसमें डालते जाएंगे। ये
ये देखिए जी हमारे चिकन पकोड़ा तैयार हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। जो चिकन पकोड़ा का मैरिनेशन जो बचा था इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने थोड़े से आलू स्लाइस किए हैं, इनको मैं अच्छी तरह में मिक्स कर दूंगी। और इनको भी मैं अच्छी तरह कर लूंगी मिक्स। और इनको भी मैं फ्राई कर लूंगी, फिर ये मैं इनको भी इंजॉय करूंगी। ये बन जाएंगे क्रिस्पी चिप्स। और आप तब तक करें चिकन पकौड़ा को इंजॉय। करते करते हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इसी तरह आपको अगली वीडियोस में नई नई दिलचस्प रेसिपी शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।